ओके, तो मेरे साथ है यहाँ पे तीन प्लेयर्स, रेबल, कैगी एंड स्पीडी, और ये लोग करने वाले हैं आज कम्पीट, वो भी कन्फ्यूज्ड SMP में आने के लिए। यस, कन्फ्यूज्ड SMP, एक ऐसा SMP जो कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, लेकिन आगे जाके इसको काफ़ी ज़्यादा डेडलीस्ट बनाने वाला हूँ मैं और मेरे साथ इस SMP का हर एक प्लेयर, जो कि सिर्फ लड़ेगा, मरेगा और कंटेंट देगा मुझे और सारे यूट्यूबर्स को। तो चलो आज इन लोगों का कंपटीशन करवाते हैं स्टार्ट, और देखते हैं इन तीनों में से कौन हो सकता है वो एक बंदा जो जाएगा अपने कंफ्यूज्ड SMP में। सॉरी, बीच में भूल गया था मैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हिंट था इन लोगों का कि फाइंड द लार्जेस्ट ट्री इन द विलेज, जो कि इनके आंखों के सामने है। यहाँ पे तीन चेस्ट देख रहे हो, ये इस विलेज का सबसे लार्जेस्ट ट्री है, एंड यहीं पे इनका हिंट भी है नेक्स्ट वाला। सिंपल सा गेम है, इसमें 5-6 हिंट से सारे को फिनिश करो, फाइंड करो एंड फाइंड करके फिनिश करो और जीत जाओगे। तो यहाँ पे सेकंड हिंट था कि फाइंड द रिचेस्ट हाउस ऑफ द विलेज, जो कि ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, ये वाला घर। हाँ, ये वाला घर का नाम मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं क्या होता है, रिकॉर्डिंग जब मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन अब भी ये चीज़ क्या नहीं भूलेगा कि उसके सेलेक्शन के टाइम ये क्या हुआ था उसके साथ। हालांकि वो मरा नहीं, लेकिन हाँ, उसको डर तो लगा ही होगा अचानक से, क्योंकि जैसे ही उसने चेस्ट खोला यहाँ पे हुआ ब्लास्ट। अब नेक्स्ट हिंट ये था कि फाइंड लावा नियर द हाउस, जो कि इनके सामने ही है, और इसी लावा में इनको कूदना है नेक्स्ट हिंट के लिए। और हाँ, अभी कैगी ही है जो कि यहाँ पे पहुँचा, ये थर्ड या फिर फोर्थ हिंट है कैगी का, और बाकी प्लेयर्स तो अभी फर्स्ट हिंट पे ही लटके हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है बाकी प्लेयर्स का, कैगी कैसे जीतेगा नहीं जीतेगा। वैसे यहाँ पे एक और हिंट आ चुका है जो कि किल अदर प्लेयर्स टू, किल अदर प्लेयर्स ही है, मैं हिंट भी भूल चुका हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा टाइम के साथ साथ कि हिंट कौन सा आ रहा है। यहाँ पे हिंट है किल अदर प्लेयर्स टू फाइंड द नेक्स्ट हिंट, मैं फिर से भूल गया था, फिर से याद कर चुका हूँ, किल अदर प्लेयर्स टू फाइंड द नेक्स्ट हिंट, एंड यहाँ पे इनको मारना पड़ेगा दूसरे प्लेयर्स को। तो अभी यहाँ पे स्पीडी भाई लेफ्ट कर चुके हैं, तो उनका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला अपने कन्फ्यूज्ड SMP में, लेकिन यहाँ पे रेबल एंड कैगी का सिलेक्शन हो चुका है, एंड कैगी को हिंट मिल चुका था, उन्होंने हिंट पढ़ भी दिया है, एंड वो अब जा रहे हैं रेबल का हंट करने। रेबल आगे आगे, कैगी पीछे पीछे, अब क्या कैगी भाई रेबल को मार पाएंगे? यहाँ पे रेबल जा चुके हैं पानी के अंदर, पता नहीं क्या कर रहे हैं, छियाँ छियाँ क्यों कर रहे हैं पानी के अंदर वो, और यहाँ पे कैगी भाई मर चुके थे इसीलिए वो आ चुके ऑक्सीजन लेने, मरने वाले थे मर नहीं चुके थे, और इनका सामान भी पता नहीं कहाँ पे, ये घूम रहे फिर रहे सामान ले रहे, और अभी इनको पता नहीं है इनका हंट होने वाला है, क्योंकि कैगी भाई ने नेक्स्ट हिंट पढ़ लिया है एंड रेबल भाई ने अब तक नहीं पढ़ा है उनका हिंट, क्योंकि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो चलो अब यहाँ पर रेबल भाई तो ऊपर जा चुके हैं एंड शायद उन दोनों में फ़ाइट भी हो रहा है, जल्दी से हम भी ऊपर चलते, पता नहीं क्यों मैं फंस रहा हूँ बार बार बोलने में भी एंड गेम भी। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था, इन दोनों का फाइट स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे कैगी भाई फाइट जीत चुका है। तो ये किल योर फ्रेंड फॉर नेक्स्ट हिंट वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हिंट की, तो वो है घोड़े का घर। यस, सही सुना, घोड़े का घर, यानी कि हॉर्स हाउस, आप ऐसे ही बोलोगे हॉर्स ऑफ नहीं है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ छोड़ो इसको। तो यहाँ पे घोड़े का घर नेक्स्ट हिंट है, जो मैंने रेबल भाई को भी बता दिया, एंड रेबल भाई और कैगी भाई अब साथ में जाने वाले हैं हॉर्स ऑफ हाउस, ठीक है, मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा था, आप लोग बोलोगे अनपढ़ है, तो नहीं, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं अभी 10th क्लास में हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मिल चुका है रेबल भाई को नेक्स्ट हिंट, क्योंकि इन्होंने एक हिंट का लीड ले लिया है, क्योंकि दोनों को साथ में मैंने बोला था हॉर्स ऑफ हाउस यानी कि घोड़े का घर। तो यहाँ पे नेक्स्ट हिंट है रेड हाउस, जो कि एक विलेज में होता है, और ये डेजर्ट विलेज में तो होता ही है खासकर। तो चलो देखते हैं एक लीड कौन ले पाता है क्या। हाँ पता है मुझे यार, आप लोग बोल रहे होगे कि आप फेक कमेंट्री कर रहे हैं, इतना बेकार कमेंट्री कर रहे हैं भाई, होता नहीं है अच्छे से, मैं क्या करूँ, मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे कैगी भाई मिल चुके हैं कैगी भाई को नेक्स्ट हिंट,
एंड देखते गए भाई क्या करते हैं नेक्स्ट हिंट के लिए। भाई आगे से मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ कमेंट्री पे, तो सब्सक्राइब करके ही रखना। ओके, कई भाई को नेक्स्ट हिंट मिल चुका है जो कि है अगले घर में जाने का। एंड अगले घर में इनको मिलता है एक और हिंट जो कि है जंप इन द वेल। हाँ, इस विलेज में सामने आपको एक वेल दिख रहा होगा जिसमें इनको मारना है जंप एंड ये जीत जाएंगे। इतना अच्छे से और इतना आसानी से नहीं जीतने देने वाला मैं इनको। तो सिंपल सा क्या करना है इन दोनों के लिए कि अब इनको 5-6 हिंट बुक्स तो सबके पास में हो ही चुके होंगे इन दोनों प्लेयर्स के पास। तो सिंपली इनको मेरे इन्वेंट्री में आके वो हिंट रखना है। अब देखते ही रख पाते कि नहीं, क्या कि भाई यहाँ पे रखने के लिए आ चुके थे एंड मैंने वेट भी करा, रखने भी दिया उनको, लेकिन उन्होंने अपना हिंट नीचे फेंक दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस उनको भी नीचे फेंक दिया यहाँ पे। उसके बाद राहुल भाई भी आए मुझे यहाँ पे हिंट देने के लिए, पकड़ाने के लिए। लेकिन राहुल भाई के साथ मैंने थोड़ा खेला, कि मैंने कह के भाई के साथ भी खेला था तो इक्विलिटी किया और राहुल भाई को भी नीचे फेंक दिया। तो अब यहाँ पे मैं गेम लेफ्ट कर देता हूँ एंड फिर से गेम ज्वाइन करता हूँ। तो अब एक बंदे के पास ऑप्शन था कि वो पहले आए एंड मेरे इन्वेंट्री में डाल दे हिंट का बुक। यस, हिंट का बुक डालना था एंड वो जीत जाएगा। और देखते कौन डाल पाता है हिंट का बुक मेरे इन्वेंट्री में। ओके, तो यहाँ पे कैगी भाई ने बुक फेंका एंड यस, वो बुक मेरे इन्वेंट्री में आ चुका है। तो अब अपने एसएमपी में जाने वाले हैं कैगी भाई। कैगी डायमंड 8494 मेरे एसएमपी में स्वागत है।